हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम लोग जा रहे हैं 1947 जो कि सिटी में, एंड आई लिव इन माउंट वेलिंगटन। सो यहाँ से सिटी जस्ट 10 मिनट्स अवे, ऑकलैंड सिटी, नो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। और ये मेरे बाकी फ्रेंड्स कार्तिक और ये विजय, से हाय। हाय गाइस। ये हम लोग पहुंच गए हैं बस पार्किंग एरिया में, और अब यहाँ से हम लोग वॉक करेंगे। ये डीजे माय फ्रेंड एंड कार्तिक, ये वाला जो एरिया है ऑकलैंड सिटी का सबसे ज़्यादा मेन एरिया, ये स्काई सिटी कैसीनो एंड अपना फेमस स्काई टावर। क्या फिर से बता, जितनी ज्यादा बार दबाएगा ये उतना जल्दी कैंसिल होगा। कुछ भी लॉजिक ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको ऐसा कि इतने ज्यादा लोग खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आप इन्होंने अपनी खुद की थ्योरी लगा दी है कि इसे ट्राई करिए एक बार। ये तो मतलब लोग वगैरह एक ऑरेंज हो गया, देख ऑरेंज हो गया, देख सी, ये देखो स्काई टावर भाई, साथ तो हो नहीं था, अभी काफी टाइम हो गया ना। नहीं, ये जो भी ट्रैफिक सिग्नल डेंसिटी पे बना होगा वो वहाँ पे काम करेगा ये। ठीक है, फाइनली मैं विजय की बात को मान लेता हूँ कि विजय जो कह रहा है लोगों की बात माननी चाहिए, वैसे बड़े नहीं उम्र में बड़े थे। ये स्काई टावर, और ये इसके बगल में स्काई सिटी। एक बार ये करना है स्काई, नहीं नहीं 40 का हो गया भाई, है? एक बार ये करो, वहाँ से ऊपर से नीचे आना भाई, मुझे लक्ष्मण झूला में डर लग जाता है। हाँ कर लूँगा, बट बंजी जंपिंग से मुझे ऊँचा लग रहा है, पर हो जाएगा ये। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं 1947 एट्री, table in next 2 hours around 10 p.m. Okay. Yeah. It will be sorted before that. You can. I don't have anything before 10, so I can book you in at 10 because I've got. So friends, unfortunately, 1947 में हमें एंट्री नहीं मिली, because वहाँ पे वेटिंग चल रही है एंड इट्स अराउंड 8:15, तो हमारा 10 बजे तक नंबर आएगा, तो अभी हम सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमारी डिस्कशन चल रही है कि अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि अभी हमारी 1947 एंट्री में एंट्री तो नहीं हुई, तो हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं सिटी को एंड डिसाइड कर रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग जाएंगे वायडक्ट हार्बर। यहाँ से आई थिंक मोर देन 1 किलोमीटर, राइट विजय? एंड समटाइम्स आई पार्क हियर टू। वो क्या है? तो ये है ऑकलैंड हार्बर, हम लोग पहुंच गए ऑकलैंड हार्बर पे, एंड दिस इज ऑकलैंड सिटी लाइफ।
हम लोग बैठे हैं हुआमी बार में। फाइनली आवर ड्रिंक्स आर हियर। चीयर्स। चीयर्स। चीयर्स बड़ी। बीजे एंड मैं साथ में जॉब करते हैं, तो बीजे को मुझसे ज़्यादा टाइम हो गया न्यूजीलैंड में। तो बीजे, तेरे को सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है न्यूजीलैंड की? आई मीन ऑकलैंड। या यू कैन से ऑकलैंड और न्यूजीलैंड। वेरी काइंड पीपल, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आई लाइक फूड, मल्टीकल्चरल कंट्री, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ये गाइस न्यूजीलैंड की लोकल बियर है एंड कार्तिक ने सॉफ्ट ड्रिंक ली थी, जस्ट एप्पल जूस आई। ये देखिए टोयोटा सुप्रा, मेरी फेवरेट कार, कार्स में से है ये। तो फ्रेंड्स फाइनली 10 बज गए और हम लोग पहुंच गए 1947 एट्री। आज तो ऐसी ही है, एंड इन्होंने ऑटो रखा है यहाँ पे 1947 के हैशटैग के साथ। स्टार्टर में आप देख सकते हैं मूंगफलीज, एंड ये इन्होंने यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया, बर्थ ऑफ इंडिया, फ्रीडम, नेशन वेक्स टू न्यू लाइफ, मिस्टर नेहरू कॉल्स फॉर बिग एफर्ट फ्रॉम पीपल, एंड ये हमारी टेबल, एंड कार्तिक इज स्टिल ऑन फोन व्हिच इज़ रियली अ बैड थिंग। DJ, how's the drink? So amazing, man. You must try. Yeah, I have one. You can taste mint, lemon. Okay. Yeah, very good. Kebab is here. Looks really yum. हाँ पहले ऐसे थे। सिकाप कबाब। I think ये जो चटनी दी है इसके साथ, इमली की चटनी, इमली की चटनी। And these kebabs are vegetarian. तो ये है सिखा कबाब, मुकुल इज गोइंग टू ट्राई सिख कबाब। तो मैं इसके ऊपर रिव्यूज देता हूँ, इट्स रियली यम एंड इट्स रियली सॉफ्ट, बहुत फ्रेश है ये, आई थिंक यू शुड ट्राई दिस। एंड चटनी के साथ एकदम यम लग रहा है, ऑनेस्टली कबाब। हां पिकल रहा है, एंड आई लाइक द स्पिनच फ्लेवर एक्चुअली। ओके या आई थिंक दिस इज द ओनली वेजिटेरियन स्टार्टर we are having tonight. Yes, it's nice. Guys, ये मूवी के पोस्टर्स लगे हैं 1947 एंट्री में। सो फ्रेंड्स अवर नेक्स्ट स्टार्टर इज हियर, मलाई चिकन। या इट्स मलाई चिकन एंड इट लुक्स यम, सो लेट्स ट्राई दिस। ओके भाई, अभी हमारा जो सा नेक्स्ट ऑर्डर था मलाई चिकन, क्या रिव्यूज़ हैं आपके उसके बारे में, क्या कहना चाहोगे? सो लेट मी ट्राई फर्स्ट, आई ऑलरेडी ट्राइड बट आई विल गिव यू द ऑनेस्ट रिव्यू। ओके, वी वांट दैट। या इट लुक्स यम, क्या फील कर रहे हो जब खा रहे हो? कबाब जो था, हाँ, इट वाज मोर यम एज कम्पेयर टू दिस। ओके, बट मेरे को बहुत सही लगा। नॉन वेज वन तो
उससे कंपेयर नहीं कर सकते. चिकन इज माय ऑल टाइम फेवरेट. एंड दिस इज द मलाई बनियान. वो चीज हो जाएगी ना कि अगर टाइटैनिक वाले जहाज में मेरे को बैठा दिया और बोला कि ये जहाज सिंक कर रहे हैं, आपकी लास्ट विश क्या है, तो मैं बोलूंगा कि मैं चिकन खाना चाहूंगा, बटर चिकन खाना चाहता हूं. और भाई के भी पूछते हैं आपके क्या रिव्यूज है मलाई चिकन के. मलाई चिकन थोड़ा सा ऑथेंटिकली जो सा वो कॉन्टिनेंटल टाइप सा हो जाता है, तो इसमें आपको फ्लेवर आ रहा है वैसा. He's enjoying a lot. If you are in Auckland, you should try. Okay, great. And we actually wait for about 2 hours for this. Yes, yeah. Literally. So, and it's worth it. Yeah, let's enjoy. Yeah, let's enjoy. So finally, the food is here, guys. It's bade mia chicken and paneer lagan. No, paneer lagan. Paneer lagan. Lagan. And rotis are here as well. That's not a lagan. तो मुकुल ये आप कौन सा सब्जी खा रहे हो अभी? It's not सब्जी, I think it's बड़े मियाँ चिकन. Okay. And it looks yum. See, you can have a look here. They put a half fried on, wow. Half fried egg. Amazing, right? Not half fried, but yeah. आधा भी ले छोड़ देना please. Okay, for sure. And chicken look. गाइज मैं स्काई टावर के नीचे खड़ा हूँ. आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया हो एंड अपने रिव्यूज ज़रूर देना कि कैसा आप लोगों को ये वीडियो लगा. एंड मैंने ट्राई किया कि मोर लाइवली बनाऊँ एंड मोर हॉनेस्ट रहूँ आप लोगों के साथ. तो आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड नाइट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय. लव यू ऑल.